यहाँ पे हम एक पराठा बना रहे हैं, ओके। एक पराठा के लिए क्या चाहिए? ये क्या है? ये आलू। ये बॉइल्ड आलू है? हाँ जी। बॉइल्ड आलू में आपने हल्दी डाली है? हल्दी, मिर्ची। हल्दी, मिर्ची और लहसुन अदरक। लहसुन अदरक, ओके। सो उबले हुए आलू को इन्होंने मैश किया है, दैट्स मैश पोटैटो। इसमें इन्होंने लहसुन अदरक और मिर्ची डाली है, ओके। सो ये अब आपको ऐसे बॉल बनाना है, ओके। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। एंड ये क्या करोगे अब आप? इसमें डालूंगा। ओके, ये देखिए, ये आपने आटे का अब डो लिया है। हाँ, और जैसे आप पराठा बनाते हैं, पर हम एक पराठा बना रहे हैं जिसमें आलू भी पड़ता है। आलू जी। और ये देखिए, अब इस पे सूखा सूखा आटे पे आपने ये रोटी जैसे बेलते हैं वैसे पराठा बेलिए। डाल दो। हाँ, और ये तवे पे आपने घी तेल कुछ डालना है? नहीं, बाद में डाल। ओके, पर मैंने तो आपसे अंडे का पराठा मांगा है। अंडे ही बनाते हैं। अच्छा, ये आगे बनेगा? चलो देखते हैं। आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे? नहीं। अंडे का पराठा दी, आलू का पराठा खिलाओगे? नहीं, आलू का नहीं। पक्का अंडे का खिला रहे हो ना? प्रॉमिस। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? अंडा ही है। आपका भी अंडा ही है? ये हुई ना, बिहार एंड मुंबई, ब्रदर ब्रदर। अंडा फोड़ने जा रहा हूं। ओके, सो अब यहाँ पे ये एक अंडा लेंगे। ये क्या डाल रहे हैं बताइए? नमक। ओके, नमक डालना है। ओनियन। ऑनियन। मिर्ची। मिर्ची। धनिया। धनिया। मसाले। ये कौन सा मसाला है? गरम मसाला। ओके, गरम मसाला भी डाला है इन्होंने। सो ये अब अंडे में इन्होंने दिखा दीजिए एक बार, ये देख सकते हैं आपने क्या क्या डाला है बताइए। ओनियन, कांदा, मिर्ची। ओके, ओनियन, कांदा, मिर्ची, और फिर उसके बाद आपको इस पर फेंकना है। हाँ, और गरम मसाला डाला है। अच्छा, ये एक सेकेंड, ये क्या किया है आपने? ये हल्का सा इन्होंने यहाँ पे इसे खोल लिया, हल्का सा खोला। ओके, ये जो परत है इसके बीच में अब आपको ये फिलिंग कर दी अंदर अंडे में। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। I have the GoPro Hero 6 in my hand. That's the point of view. मेरा point of view से maybe आपको दिखाना चाह रहा था, न्यू वे वी आर शूटिंग। मेरे हाथ में ही है GoPro और सबसे करीब मैं ही हूँ इस अंडे पराठे के। देखेंगे कैसा हो रहा है ये। अंदर कच्चा नहीं रहेगा? नहीं। ओके, पक जाएगा। और बाहर आपने अभी तक तेल या इत्यादि घी किसी का इस्तेमाल नहीं किया? पर किसी को डालना है तो घी भी डाल सकते हैं। पकने के बाद डाल जी। ओके, ₹30 का ये मिलता है, ₹30। इसे दे एक पराठा। पक गया। ये पक गया। तकरीबन कितना देर लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट में देखो, यहाँ नूडल्स नहीं बन रहे, 2 मिनट में यहाँ एक पराठा बन गया। 5 से 10 मिनट में तकरीबन बन जाता है। और बट दिस वॉज क्विक, बहुत क्विक है, बिकॉज ये इतने टाइम से बना रहे हैं। घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेडिट्स में कैमरा में मेरा भी नाम होगा। ओके, लुक एट दिस, वाओ, 4 टुकड़े कर दिए इन्होंने। ये दिखाइए कैमरे पे भी दिखाइए एक बार। आ हा हा, ये देखिए, ये मेरा पराठा रेडी हो गया है। और क्या क्या मिलेगा इसके साथ? मिलेगा ना ये भाजी मिलेगा। अच्छा, ₹30 में आप सब्जी भी दे रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो आप तो, मतलब इतना। ये क्या है? चटनी। चटनी। अच्छा, ये टमाटर की चटनी है? टमाटर क्या है, धनिया पुदीना का है। अच्छा, ये टमाटर की चटनी आप ऐसी मुझे मुजबानी बता देंगे क्या क्या डालते हैं? क्या टमाटर लेना है?
अदरक मिर्ची लहसुन प्याज प्याज करना टमाटर। सो अगर मैंने चार टमाटर लिया तो दो प्याज दो चार टमाटर दो प्याज अदरक लहसुन मिर्ची मिर्ची उसको आपको बस ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना है तो आपको ये टमाटर की ये लाल लाल चटनी भी मिल जाएगी। देखिए हम चाहते तो ये रेसिपी बता पाते हैं बट अनलाइक द रेगुलर किचन शोज यहाँ पे ना मिक्सर है ना ग्राइंडर है इसीलिए मुँह जुबानी चटनी की रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। वरना लोग बोलते चटनी की रेसिपी बता हद है यार मतलब इतना हद है। ओके सो यहाँ सब्जी दी गई है चटनी की 30 रुपये में ये सब कुछ है। इसे मैं सैम्पल करूँगा और आपको बताऊँगा इसका स्वाद कैसा है। आप लोग देखते रहे अब खुलेगा रहस्य रहस्य जायके का। सो गाइस यू वाचिंग अब खुलेगा रहस्य रास्ते के जायके का एंड यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट वेयर आई विल सैम्पल दिस अंडा पराठा जो कि 30 रुपये में मिल गया। और साथ में यार मुझे नहीं पता मुझे लगा ऐसे पराठा देंगे तो सब्जी भी दी है इन्होंने टमाटर की चटनी टेंटेटिव रेसिपी बता दी मैंने और ये पुदीने की चटनी एंड वंस अगेन आई हैव गॉन फॉर दिस सुपर्ब छास बिकॉज यार नवंबर में भी मुंबई में 35 डिग्री है गर्मी है तो ठंडा एंड अंडा ठंडा एंड अंडा या तो अंडे को ठंडा करने के लिए मैंने लिया है छास। एनीवेज सो सैम्पल क्या है करेंगे अब देखते हैं कैसा टेस्ट है बट लुक एट द लेयरिंग इसमें आलू भी आ गया अंडा भी आ गया है और ब्राउनिंग अच्छी खासी है। इन्होंने तेल का इस्तेमाल किया है घी का इस्तेमाल किया है मतलब आप तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए एंड लेट्स रियली रियली डिलीशियस बहुत टेस्टी है यार बहुत टेस्टी बनाया इन्होंने। ऐसे ही खाओ बिना सब्जी के तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके और अभी इसे मैं टमाटर की चटनी के साथ खाऊंगा। और लेवल बढ़ रहा है टेस्ट का और ये छाछ के साथ